अब जो हमारा जो जब हम इन सब चीजों से बाहर आएंगे, ऊर्जा को समझेंगे कि सारी ऊर्जाएं क्या है हमारे प्लॉट की, क्या उसको आगे बढ़ते हुए, तो सबसे पहली जो ऊर्जा होती है, सबसे पहली ऊर्जा होती है पंच तत्व की ऊर्जा। पहली क्या होती है? पंच तत्व। और पंच तत्व कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। आकाश का मतलब जो है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, स्पेस, जो भी जिस वस्तु में स्पेस है, जो भी वस्तु ठोस है, वो सब आकाश तत्व कहलाती है। ठोस, स्पेस, ठोस, यस। आकाश को समझना अभी आपके लिए शुरुआत में थोड़ा कठिन पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं, आकाश किसे कहते हैं? स्पेस को। ये तो आपका मतलब है खाली स्पेस। एक बॉल है, बॉल बताइए, बॉल किसका किसका सिंबल माना जाएगा? स्पेस का। वेरी गुड। क्यों माना जाएगा? अंदर जो बॉल है ना, जो ये आउटर्स उसने ये घेर रखा है, ये ठोस है, अंदर क्या है उसके? स्पेस। और स्पेस को क्या कहते हैं? आकाश। ये ध्यान रखना, ये बाद में बड़ा काम आने वाला है। जब आप अपने घरों में बॉल लगाने जाओगे ना, तो आप कहोगे कि जी मैं बॉल लगा के आ रही हूं, और उसको लगाया होगे जाके पृथ्वी तत्व पे। ठीक, जो भी मेटल है और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, मेटल है चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो सब स्पेस है। जितने भी मेटल है ठोस हो तो भी सर। हाँ, यस, हमने मेटल ही वर्ड लगा दिया, इसको बाद में बड़े तरीके से बताऊंगा जो चैप्टर आएगा इसका। हमने ऑल मेटल्स को स्पेस काउंट कर दिया, जैसे 10 किलो का बट्टा और बाट होता है, यस, वो भी स्पेस है। अब हम क्या आ रहे हैं, जो ये पंच तत्व हैं, यदि आप इन पंच तत्वों को केवल बैलेंस करना समझ जाएंगे, अग्नि आपने सबसे पहले लिखा, चलो जो भी लिखा, जो ऑर्डर, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार थोड़ा सा वो भी बताना चाह रहा हूं आपको। ये जो पंच तत्व हैं, इनके भी कलर होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, इन पंच तत्वों को जब हम ग्रिड में पहचानेंगे, जब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आगे ग्रिड्स हैं अभी आगे अगले चैप्टर में, तो इन इन पंच तत्वों के अपने कलर्स होते हैं। ठीक, इन पांचों तत्वों के जब कलर में आपको बताने शुरू कर दूंगा, और आपस में बताऊंगा कौन किसका मित्र है, जैसे आपके ग्रहों में मित्र शत्रु होते हैं, सेम यहां वास्तु के अंदर पांच तत्व होते हैं, वो पांचों तत्व आपस में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, धीरे 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 आपको ये चीज समझने आने लगेगी कि आपने अग्नि पर क्या दे रखा है, पृथ्वी पर क्या दे रखा है। और एक मकान को बनाने के लिए हमेशा इन पांचों तत्वों का रोल रहता है। यदि आपके मकान में प्रकाश प्रॉपर नहीं है, तो समझ लो एक तत्व डिस्टर्ब हो गया। अगर वायु वेंटिलेशन बोलते हैं जो लोग, वेंटिलेशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल का स्रोत प्रॉपर नहीं है, जल स्रोत कहां रखना है? और अब मैं बोल रहा हूं आकाश, आकाश का मतलब क्या है यहां? अगर आपने चारों तरफ से बाउंडेड बाउंडेड बना दिया मकान को, कोई निकलने के लिए स्पेस ही नहीं है, आकाश तत्व ओपन ही नहीं है। जब आप ध्यान रखना, जब हम मैंने तो ये गलती अभी पहले ही कर रखी है, मैंने गांव में एक मकान बनाया, बहुत वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, सब कुछ करा दिया, सब कुछ हो गया। पहले गांव की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग वास्तु बनाई जाती थी, गांव में पहले वास्तु जो होती थी हमारे, अभी मैं अब इस चैप्टर को स्किप कर गया हूं, कि वास्तु प्राचीन काल में जो थी वो ज्यादा हमारी समृद्ध थी। जब मकान बनाए जाते थे तो आंगन को पहले छोड़ा जाता था हमेशा, और चारों तरफ उसके मकान बनाए जाते थे। तो ये जो आकाश तत्व होता था, ये ब्रह्म तत्व होता है, ये पहले ही हमारा कनेक्टिविटी बना देता था हमारे पूरे प्लॉट की। और आजकल क्या है, अब जब से ये सेक्टर का कंसेप्ट चला है, अब आप बीच में तो बनाई छोड़ ही नहीं सकते, आगे भी छोड़ देते, बीच में बना देते, अब आगे पीछे छोड़ने का कंसेप्ट दिया गया। अब ये आगे पीछे का कंसेप्ट क्यों दिया गया,
इसको आपको मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में 5% लोग ही डिफाइन कर पाएंगे कि आगे क्यों छोड़ा जाता है और पीछे क्यों छोड़ा जाता है। वेंटिलेशन के लिए छोड़ता है। थोड़े ना पता है कि आगे पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है, इसका लॉजिकल पीछे इतना बड़ा वास्तु शास्त्र का जो लॉजिक लगाया वो आगे पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है ये भी बता देता हूँ इसी कंसेप्ट में एक ही मिनट में। आप एक काम करना, आप अपने जीवन में देखना किसी का 30/90 का प्लॉट हो, 30/90 अर्थात 30 उसकी जो है आपस की चौड़ाई ब्रेथ हो गई और लंबाई कितनी होगी 90, ये रेल का डिब्बा है उसका घर। अब जो इसमें एनर्जी फॉर्म बनेगी, जो इसकी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी इस मकान की, वो प्रॉपर कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर कभी वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे समझाने के लिए, आपकी बॉडी की चौड़ाई लगभग 2 फीट के आसपास है और मैं आपको 1.5 फीट की नली में घुसाना चाहूं, आप घुस ही नहीं सकते। तो वास्तु की ऊर्जा का पहले ही जो हमारा सम्रांगण सूत्र है, जो सम्रांगण आधार है बुक का, उसमें पहले ही लिखा है कि वास्तु हमेशा या तो स्क्वायर प्लॉट पे लगेगी और रेक्टेंगल के ब्रैकेट में लगेगी, तो कंडीशन है यह लंबाई 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये 2 गुना 1.5 गुना से ऊपर वाली वास्तु धीरे धीरे इन अनप्रॉपर वे में अनप्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसलिए जब इस पे स्टडियां हुई तो इसको कैसे कन्वर्ट करा गया, आप देखो अगर ये 30/90 का ही प्लॉट था तो इसमें अगर मुझे यही मकान उसको देना होता तो मैं उसको बोलता कि भैया आगे से 15 फीट छोड़, 20 फीट पीछे छोड़, तो कुछ हद तक ये जो बीच का पार्ट बनता कुछ हद तक रेक्टेंगल की तरफ आ जाता, तो मैं ये अगले वाले पार्ट को खाली करवाता, पिछले पार्ट को खाली कराता, बीच में रिहाइश बनवाता उसकी केवल। तो ये और भी ज्यादा मुझसे कहता तो मैं तो उसको बोलता कि जीवन में अगर बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है तो 30/30 का ही प्लॉट यूज कर ले, सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, क्यों प्रॉपर स्क्वायर बना देता उसे, 45/45 का ही यूज कराता। तो ये बाद में समझाऊंगा, ये बहुत डीप स्टडी है कि वास्तव में ही अगर 1.5 गुने से प्लॉट किसी का ज्यादा हो तो उसमें वास्तु इंप्लीमेंट करने में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी फ्लो ही नहीं करती है, सबसे बड़ा कंसेप्ट। तो ये धीरे धीरे आएंगी, फिर भी चलो कोई नहीं।